इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आपकी बैटरी खराब होने का क्या क्या कारण होता है और आपकी बैटरी किन किन चीज़ों से खराब होती है, और आपको बताया जाएगा कि बैटरी को लंबे समय तक कैसे चलाया जाए। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो आप लोग वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। मेरा नाम है विनोद कुमार और आप देख रहे हो एडवेंचर विद विनोद यूट्यूब चैनल को। तो जो लोग इस वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का चैनल लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दें, आपको ऐसी ढेर सारी वीडियो इस पे मिलने वाली है और मैं ऐसी ढेर सारी वीडियो देता रहता हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फिर मैं वीडियो में आपके लिए शुरू करता हूँ कि सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि बैटरी ख़राब होती क्यों है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि बैटरी ख़राब इसलिए होती है कि जब आप लोग अपनी बाइक पे हैवी लोड, मतलब जैसे कहते हैं, मेरे हिसाब से कहना जैसे कहते हैं कि उस पर आपने ढेर सारी फॉग लाइट लगा दी और उस पर बड़े बड़े मॉडिफिकेशन जैसे हॉर्न लगा दी और ढेर सारी लाइटें लगा दी और ढेर सारा उसमें मतलब इलीगल जो उस पर बैटरी पर लोड कैपेसिटी होती है उससे ज़्यादा जब आपने कर दी, तो उस टाइम आपकी बैटरी पर लोड पड़ने की वजह से उसकी लाइफ कम हो जाती है। लाइफ कम होने के साथ साथ वो धीरे धीरे करके आपका वो ड्रेन हो जाता है बैटरी, मतलब उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो सबसे मेन कारण यही है कि आपकी बैटरी पर जब लोड पड़ता है बहुत ज़्यादा तो उस पर आपकी बैटरी की लाइफ कम हो जाती है। तो इसको कम करने के लिए हम आपको बताएंगे आगे चल के वीडियो के लास्ट में कि इस चीज़ को कैसे ख़त्म किया जाए। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बैटरी ख़राब होने वाली है तो उसमें आपको क्या सिग्नल मिलने वाला है कि बैटरी आपकी ख़राब होने वाली है। तो उसमें सबसे पहला जो सिग्नल मिलता है बैटरी ख़राब होने के लिए, वो मिलता ये है कि आप लोग की बैटरी, सबसे पहले तो आपकी बाइक में हेडलाइट से पता लग जाएगा आपको। ठीक है, आपकी हेडलाइट जब बैटरी पर होएगी तो वो उसकी लाइट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा डिम हो जाएगी और रात में आपको पता लग जाएगा जब जलाओगे। तो सबसे पहली जो आपकी पता लगी वो हेडलाइट से पता लगी। दूसरा फिर वो होएगा कि आप उसकी चाबी ऑन करके हॉर्न का बटन थोड़ी देर प्रेस करेंगे तो हॉर्न रेगुलर नहीं दबेगा, थोड़ी देर तो हॉर्न की आवाज़ अच्छी आएगी, उसके बाद फिर हॉर्न की आवाज़ लो होती जाएगी, बीच बीच में बंद भी हो सकता है। तो दूसरा ये ऐसे पता लगेगा। और तीसरा पता लगेगा जब आप बाइक की चाबी को थोड़ा सा ऑन करके रखेंगे 5 मिनट के लिए या मुश्किल से 2 मिनट के लिए, उसके बाद उसमें सेल्फ मारने की कोशिश करेंगे तो आपकी बाइक की सेल्फ नहीं लगेगी, सेल्फ मिस हो जाएगी, मतलब आवाज़ करके वो छोड़ देगी हल्की सी आवाज़, और फिर आपको किक से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो बैटरी की नंबर 3 प्रॉब्लम ये है, इससे आपको पता लगेगा बैटरी आपकी ख़राब हो गई है या होने वाली है। 70-75% ख़राब हो गई है, 20-25% चांस होता है तब ये बैटरी ऐसा इंडिकेटर देती है। और अगले टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि बैटरी को लंबे समय तक कैसे चलाएं। तो उसका सबसे बढ़िया कारण है, सबसे बढ़िया इलाज भी है कि बैटरी को लंबे समय तक कैसे चलाएं। तो बैटरी को लंबे समय तक चलाने का एक ही तरीका है कि सबसे पहली बड़ी बात कि बैटरी पे जो भी मतलब आप अगर करवा सकते हो वैसे करवाना इलीगल भी है। तो आजकल की जो बाइकें आती हैं BS6, BS4, ये सब जो भी बाइकें आना शुरू हो गई हैं, इसमें हेडलाइट पहले से ऑन होती है और हेडलाइट में हेलोजन बल्ब लगा होता है जो कि बैटरी को बहुत ज़्यादा खाता है, चाहे दिन में चले चाहे रात में चले, तो बैटरी को बहुत ज़्यादा खाता है और लोड पड़ता ही रहता है उस पर, एनी टाइम जब भी होता है बाइक पर लोड पड़ता ही रहता है। तो इसको ख़त्म करने के लिए आपने सबसे पहले बाइक का जो हेलोजन बल्ब है उसको चेंज करा के LED में कराना है। ठीक है, वैसे तो बाइक में जितने भी बल्ब हैं सब कुछ LED करवा दीजिए, और बाइक में कोई भी ऐसा मतलब कोई ऐसा थर्ड पार्टी कनेक्शन मत कराइए जिसे मतलब कि नॉर्मली आप लोग चार्ज, अगर मजबूरी है तो आपको चार्ज लगाना ही पड़ेगा, जैसे कि डिलीवरी बॉयज़ का काम होता है तो वो चार्ज लगाते हैं उसको, तो चार्ज लगाना ही पड़ेगा। तो चलो चार्ज लगाना हो गया, लेकिन जो भी लगवाइए उसमें आप एक कंप्रेसर होता है उसको लगा के लगाइए जिससे कि उसका पावर बढ़ जाएगा आपके बैटरी का, मतलब वो ट्रांसफार्मर टाइप का होता है छोटा सा, तो वो लगाइए। और पूरे बाइक में जहाँ भी आपके बल्ब लगे हुए हैं हर जगह हेलोजन बल्ब होता है। वैसे नॉर्मल बाइक बता रहा हूँ जो मैं अंडर 60-70 हज़ार की बाइक में, तो इसमें हेलोजन बल्ब होता है, तो आप लोगों ने उसमें लगवाने सारी जगह LED है, LED कम पावर की जरूरत पड़ती है उसको और बैटरी लॉन्ग लास्टिंग चलती है। और नंबर 3 जो आपने करना है उस पर आपने करना ये है कि जो आपका मेन हेडलाइट है उसको जो DRL टाइप का होता है, वैसे करवाना ये इलीगल है पर करवा सकते हो, कोई ज़्यादा वो भी इशू नहीं आता, तो उसमें एक बटन लगवा देना है जिससे आप लाइट को ऑन ऑफ कर पाओ। ठीक है, तो ये हो गई कुछ टिप्स जो आपको बैटरी ख़राब कैसे होने वाली है और बैटरी कितनी देर और चलेगी और बैटरी का मतलब
ठीक कैसे रखें, मतलब थोड़ा सा आपको मैंने टिप्स बताई हैं। तो मुझे लगता है कि आपको जो मैंने जितनी सारी इन्फॉर्मेशन दी है, अगर आप इस सब अप्लाई करोगे तो आपकी बैटरी 100% चलने वाली है, जो कि काफ़ी लंबे टाइम तक चलने वाली है। तो आप लोग इस सब चीज़ों को अप्लाई कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ऑल पे कर लीजिए। तो आपके लिए मैं ऐसी ढेर सारी वीडियो बनाता रहूँगा और आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और बहुत सारी वीडियो हैं जो भी आपको लगता है देखने वाली, तो आप देख सकते हो मेरे चैनल बहुत सारी रिलेटेड जानकारी वाली वीडियो हैं। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट टाइम।